بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرت حق جل وعلا شانه وعز اسمه وتم برهانه ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی بنے نصرانی بنے اور صابئین یہ ستارہ پرست یا یہودیوں اور نصرانیوں کے مکسچر سے ایک تیسرا فرقہ مارز وجود میں آیا صابع اصل میں کہتے ہیں اپنے دین سے خارج ہو جانے والے کو اور یہ ایک خاص جماعت تھی جو شام اور عراق کے درمیان آباد تھی جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم ان کو آل کتاب قرار دیتے تھے اور ان کے ذبیعے کو مباح کہتے تھے من آمن باللہ ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے یعنی اللہ پر ایمان لانے کا یہ مفہوم ہے کہ جتنے ایمان کے ضروریات ہیں ان سب کی موجودگی ان کی سب کی معیت میں ایمان لائے والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے وعمل صالحا اور نیک کام کرے فلہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر ان کے رب کی بارگاہ میں ہے ولا خوف علیہم ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ولا هم يحزنون اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وہ وقت بھی یاد کرو جس وقت ہم نے تم سے عہد لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے تم پر کوہ طور کو بلند کیا کوہ طور کو اونچا کیا اور کہا خذو ما آتیناکم تم اس چیز کو پکڑ لو جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے بقوت پوری قوت کے ساتھ یعنی
तौरात और तौरात के मुश्तमिलात और मजामीन को पूरी कुव्वत के साथ एतिकादी तौर पर तस्लीम भी कर लो और पूरी तरह से इन पर अमल पैरा भी हो जाओ। वज़कुरु माफी है और जो कुछ उसमें मौजूद है उसको अच्छी तरह से याद करो। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ या तुम नारे जहन्नम से बच जाओ। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बाद ज़ालिक, फिर इसके बाद तुम फिर गए। और फलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम, अगर परवरदिगार आलम का तुम पर फजल न होता, व रहमतुहु, और उसकी रहमत न होती, लकुंतुम मिनल खासिरीन, तो तुम खसारा पा जाने वाले लोगों में से होते। वलकद अलिमतुमुल्लज़ीन अतदौ मिनकुम फिस्सब्त, ओ बनी इसराइलो, तुम खुद इस बात को जानते हो, तुम्हें ये बात पता है, उन लोगों को अच्छी तरह से जानते हो जिन्होंने हफ्ते वाले दिन तुम में से ज्यादती की है, जिन लोगों ने तुम में से होकर हफ्ते वाले दिन ज्यादती की है। फ़कुलना लहुम कूनु क़िरदतन ख़ासिईन, तो हमने उनसे कहा कि तुम फटकारे हुए दुत्कारे हुए बंदर हो जाओ। फ़जअलनाहा, तो हमने उस बंदरों की कम्युनिटी को, उन बंदरों की जमात को हमने एक इबरत बना दिया। बैन यदईहा, उन अक्वाम के सामने जो उनके सामने थी, वमा खल्फहा, और उनके लिए भी जो उनके बाद में आने वाली हैं। वमौइज़तल लिल्मुत्तकीन, और परहेजगारों के लिए एक नसीहत बना दिया। आयात तैयबात का तत्व तर्जमा, आप हजराज के गोश गुजार हुआ, और ये अपनी गुज़श्ता आयत से एक मुसलसल मजमून चला आ रहा है। गुज़श्ता आयत में जो सूरह बकरा की आयत नंबर 61 है, उसका कुछ हिस्सा साबिका बयान में नातमाम रह गया था, अब उसकी तकमीली तिशनगी को दूर करने के लिए दोबारा अर्ज करता हूँ। ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, जो उन पर ज़िल्लत मुसल्लत की गई थी या उन पर ज़हनी और एतिकादी गुर्बत मुसल्लत कर दी गई थी, और गज़बे इलाही में वह दर आए थे, इसका सबब यह था कि वो अल्लाह की आयतों से कुफ्र करता है, कुफ्र किया करते थे। इससे एक बात पता चलता है कि अल्लाह तबारक तआला की नेमतों से मुकम्मल मारूमी उस कौम को होती है जो ईमान लाने के बाद अल्लाह की आयतों से कुफ्र करे। और फिर देखिए कि वो अम्बिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया करते थे। इस जगह मुफस्सिरीन किराम ने कहा है कि एक दिन ज़ोर और असर के दरमियान 70 अम्बिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम को उन्होंने कत्ल किया। यानी किस कदर गुस्ताखी और बेबाकी है, हद ही ख़त्म कर दी है कि एक नबी की तरफ बेअदबी की निगाह से देखने से अगर कुफर लाजिम आ जाता है तो लजूम कुफर की बजाय ताकुक कुफर हो जाता है, तो फिर उन्होंने सिर्फ एक ही को कत्ल नहीं किया बल्कि 70 अम्बिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम को शहीद किया। और इस जगह बाइबल के अंदर आप देखें तो जो न्यू टेस्टमेंट है उसकी मार्कस के किताब को देखें, उसका चैप्टर नंबर 6 है और उसकी वर्स नंबर 17 से लेकर के 29 तक है। उसके अंदर एक चैप्टर है जो बयान करता है इन आयात में कि ये जो नबियों को कत्ल करने का मामला है उसमें एक बड़ी नुमाया और यादगारी बात यह है कि हेरोड ने अपनी भावज हेरोडियस के साथ जबरन बगैर भाई से तलाक लिए अपने भाई की बीवी को अपनी बीवी बना लिया और रस्म निकाह वगैरह अदा की। भाई को कहता रहा कि तू उसको तलाक दे कि मैं इससे शादी करूं, उसने तलाक देने से इनकार किया, लेकिन उसने ये समझा कि इस तरह के निकाह जो होते हैं वो तलाक के पाबंद नहीं होते, उसने उससे शादी कर ली और रहने सहने लगा। साल में एक मरतबा उसने एक बहुत बड़ा फंक्शन किया जिसमें इलाके के रुआसा को उसने दावत दी, सभी लोग वहाँ आए, और इसकी इस बीवी को जो भाई की बीवी थी और जबरन उसको बीवी बनाया हुआ था और वो एक बदकार औरत थी,
हेरोडियस उसका नाम था, उस के साबका खामे से जो लड़की थी उसने उस सालाना इज्तिमा में रूबरूए मजमा एक ऐसा डांस किया जिससे बादशाह बड़ा राजी हुआ और कस्में खा खा के कहने लगा, आज जो कुछ मांगोगी वो बिल्कुल तुम्हें दूंगा, खा मुझसे नसब बादशाही भी तलब कर लो ना तो फिर भी मैं इनकार नहीं करूंगा, तो मैं तुम्हें आज इनाम करने पर आमादा हूं, मांगो जो कुछ मांगना है। वो लड़की काफी होशमंद थी, उसने कहा मैं अपनी माँ से पूछ के बतलाती हूँ। माँ उसकी वही हेरोडियस थी जो इसकी एक दाश्ता थी और असल में बीवी इसके भाई फिलिप्स की बेगम थी। फिलिप्स की बेगम को इसने जबरन अपनी बीवी बनाया हुआ था, दाश्ता के तौर पर उसको रखा हुआ था। अब वो दाश्ता के तौर पर जो रहती थी उसने अपनी बेटी को कहा कि हमारे इस अमल पर जो हमने किया है सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो यहया अलैहिस्सलाम को है, यानी जॉन को है। अंग्रेजी में यहया अलैहिस्सलाम को जॉन कहते हैं, जान को इसकी तकलीफ थी। तो मैंने अपने मियाँ से बादशाह से कहा कि अगर तुम इसको पकड़ के जेल में न डालो मैं कभी राजी नहीं होंगी, और उसके बाद तुम्हें उसको कत्ल भी करना होगा। इसने जेल की हद तक तो मेरी बात मान ली लेकिन कत्ल नहीं किया। कत्ल न करने का जो सबब था वो बाइबल ने मार्क्स के अंदर ये बात लिखी है कि चूंकि वो एक ऐसे अल्लाह के प्यारे थे, पैगंबर थे अल्लाह के दोस्त और दुश्मन पर भी उनकी रूहानी बुजुर्गी और उनका तज़किया और उनकी पाक दामनी, उनकी इस्मत और उनके ज़ौक शौक और विजदानियत का जो मंजर था उससे बिल्कुल ये बात तश्त अजबाम थी कि ये अल्लाह का बरगजीदा पैगंबर है। इस वजह से ये जो हेरोड था ये डरता था, ये समझता था इसको कत्ल कर डालूं तो मुमकिन है मेरा निज़ाम मुमलकत उसका तख्ता उलट जाए, इस मजबूरी से कत्ल नहीं करता था। आज वो हेरोडियस अपनी लड़की को कहती है जिसने डांस किया था कि तुम बादशाह से कहो आज मैं तुमसे मांगती हूँ कि जॉन का सर काट के तुम तश्त पर रख के मेरे सामने दरबार में यहाँ पेश करो, आज के मेरे डांस का जो तुम मुझे इनाम देना चाहते हो और मेरा मुंह मांगा इनाम तुमने वादा किया है कस्में खा खा के, इन तमाम रुअसाए ममलकत की मौजूदगी में मैं कहूँगी कि मेहरबानी करो अपना वादा पूरा करने के लिए जॉन का सर काट के थाल में रख के इस मजलिस के रूबरू मेरे सामने पेश करो। चुनाचे उसने एक एग्जीक्यूटर को भेजा, एक जल्लाद को भेज के जाकर कहा कि उसका सर उतार के लाओ। तो जनाबे यहया अलैहिस्सलाम का सर काट के थाल में रख के उसके सामने पेश किया गया। तो इस जगह जो यक्तलून नबीयीन बगैर हक, ये उनकी हिस्ट्री थी, इसका इस्लाम की तारीख से कोई ताल्लुक नहीं था और ये हज़ारों बरस पहले की बातें थीं। तो उस वक्त हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का ज़माना तो वो करीब पड़ता था क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम के हम असर थे, मगर ये उनकी बातें थीं, मक्के वालों के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं था, ये मक्की लोगों की हिस्ट्री नहीं थी। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का वो इल्मे नबुव्वत और इरफान इलाही का जोर था कि सारी हकीकतें उन पर खुल रही थी। क्या ये नबियों को कत्ल करते थे? एक तो यहया अलैहिस्सलाम को इस तरह शहीद किया और दूसरा इन्होंने जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ बड़ा मुतशद्दिदाना अमल किया, उनको कत्ल करने के इरादे से उनका तआक़ुब किया, बैतुल मक़द्दस शरीफ में दाखिल हो गए। तो इन लोगों ने बैतुल मक़द्दस के तकद्दस को पामाल करने का अज़्मे मुसम्मम कर लिया, उनको ये पता चल गया कि ये बैतुल मक़द्दस में दाखिले के बाद भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। आपने अल्लाह से पनाह मांगी एक दरख्त की तरफ मुँह करके, वह दरख्त फट गया, आप उस दरख्त के अंदर चले गए, आप दरख्त के अंदर छुप गए, लेकिन इस कौम ने फिर उस दरख्त को आरा डाल के आरे से चीरा तो बीच में जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी चीर डाला। यानी उनका जो उनके जो कत्ल थे वो कत्ल भी किए लेकिन उसके अंदर ज़ालिमाना तशद्दुद कत्ल के अलावा भी एक चीज़ थी, कत्ल करते वक्त बग़ैर हक, यानी कत्ल अम्बिया अलैहिस्सलाम का तो हर तौर ना हक है लेकिन ये वो ना हक था जो इन पर भी वाज़े था, इसलिए अल्लाह करीम ने इस जगह बग़ैर हक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कहा कि ज़ालिक मा असब कानू यादुन, ये काम उन्होंने इसलिए किए हैं कि वो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करते थे और हद से तजावज़ करते थे।
इससे यह भी एक बात पता चली कि जो आलुल्ला लोग कहते हैं कि हर छोटा गुनाह बड़े गुनाह की तरफ कयादत करता है, बड़े गुनाह का सबब बनता है, जो छोटे गुनाहों का आदि हो जाए वो बड़े गुनाहों का आदि हो सकता है। जैसा कि सिगरेट पीने वाला उससे ड्रग पीने की उम्मीद की जाए तो ये भी ऐन मुमकिन है, और छोटे मोटे नशे वगैरह की चीज़ें पीते पीते अगर शराब का आदि बन जाए तो भी ये उसके नॉर्म रूटीन में मुमकिनात में से है। तो परवरदिगार ने ये बताया कि ये बड़े बड़े गुनाह जो थे उन्होंने उस वक्त किए जब छोटे गुनाहों के वो खूगर हो गए, आदि हो गए, जब उनमें उन गुनाहों के अंदर उनको ऐसा इस्तिग़राक मिला कि हलाल और हराम की तमीज़ जाती रही। तो फिर अम्बिया अलैहिस्सलाम का कत्ल जो है ये कुफ्रियात में इंतहाई दर्जे का कुफ्र है, वो भी उन्होंने कर डाला। रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चूँ ज़्यादा गश्त दिल रा तीरगी नफ्स दूरा बेश गर्दद खीरगी, जब गुनाह करते करते दिल स्याह हो जाता है तो नफ्स बेगैरत हो जाता है, उसको कोई हया नहीं आती, कोई गैरत नहीं आती, किसी तरह भी अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदगी का एहसास नहीं करता, फिर वो गुनाहों की रोड पर तेज़ रफ्तार से बढ़ता ही चला जाता है। आगे एक अकीदा था यहूदियों का और नसरानियों का, जो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद अपने आप को समझते थे, उनका यह ख्याल था कि हम चूँकि पैगंबर की औलाद में से हैं, हमारा खुदा के साथ बड़ा करीब का ताल्लुक है, इसलिए ख्वाह कुछ भी करें हम जन्नत में जाएंगे। हमारे सिवा दूसरे लोग हैं, ख्वाह कितने भी मुत्तकी हों, कितने भी परहेजगार हों, कितने भी आले इल्म हों, उनके जोद व तक्वा में इंतहाई इम्तियाज़ हो, फिर भी वो दोजख में जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला ने उनकी इस मुनापली को, इस इजारादारी को चैलेंज किया कि तुम्हारे अकीदे में ये खराबी है। क्या इन्नल्लज़ीन आमनु, अल्लामा राज़ी लिखते इस आमनु से मुराद वो है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से पहले खुदा की तौहीद के कायल थे, अम्बिया व मुरसलीन की नबूवतों और रसालतों के कायल थे, जिनमें उन्होंने हज़रत सलमान फ़ारसी का नाम लिया है, हज़रत वरक़ा बिन नौफल का नाम लिया है और चंद सहाबा के नाम लिए हैं जो बाद में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हलके में दाखिल हुए, इस्लाम से कबल भी वो खुदा परस्त थे। तो कहा बेशक वो लोग जो ईमान लाए हैं, यानी हुज़ूर से साबिका जो ईमान का मेयार था उस पर वो पूरे उतरे हैं, अब वो ईमान नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़हूर पज़ीर और ऐलान नबूवत के बाद वो ईमान कारगर उस सूरत में होगा जब सरकार पर ईमान की तजदीद करेंगे। क्यों? कि वो अदियान मनसूख हो गए, अल अमल बिल मनसूख हरामन, किसी मनसूख पर अमल करना ये हराम है, ख़्वाह वो कुरान मजीद की आयत हो या हदीस रसूल पाक हो या साबिका उम्मतों में से किसी की किताब हो, जो मनसूख हो गई मनसूख पर अमल करना हराम है। ना मनसूख का अकीदा रखना है और ना मनसूख पर अमल करना है। तो अल्लाह करीम ने फरमाया जो साबिका लोग मोमिनीन कहलाते चले आए, या इससे मुराद वो हैं जो मुनाफिकीन थे, बज़ाहिर वो कलिमा भी पढ़ते, नमाजें भी पढ़ते, अजानों इकामतों के भी पाबंद थे, हज पर भी चले जाते, ज़वाहिर शरा के पूरी तरह से पाबंद है, लेकिन दिल की गहराई से उन्होंने हजरत महबूब किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पाक को उन्होंने दिल से तस्लीम नहीं किया था। तो इसका नतीजा ये हुआ कि नाम के तौर पर वो मोमिन, रब ने उनके बारे में भी कहा कि ख्वाह वो मोमिनीन हो जो मोमिन कहलाते हैं पर अंदर से मोमिन नहीं हैं, या वो मोमिनीन हैं जो साबका मेयार के मुताबिक तो मेयारी किस्म के मोमिन थे मगर अब सरकार के ऐलान नबूवत पर उनको वो ईमान काफ़ी नहीं होगा, उनको सरकार पर ईमान लाना पड़ेगा, और अगर वो सरकार पर ईमान लाएंगे तो साबका ईमानों का भी उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा और सरकार पर ईमान लाने का भी फ़ायदा पहुँचेगा। वल्लज़ीन हादू, हादा यहूदो अरबी ज़ुबान में हदायत पाने को कहते हैं, हादू जो हदायत पा गए, और जो आल इल्म हैं उन्होंने इसकी दो तौजीहात की हैं, या तो ये यहूदी इसलिए कहलाते हैं कि यहूजा नामी याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े फरजंद थे, ये कौम अपने आप को उनकी तरफ मनसूब करती है,
उस मुनासिबत से अपने आप को यहूदी कहती है, या यहूदी ये हादा यहूदों से है तो तहवदा ये तहवदो तहवदन मन हदायत हासिल कर लेना। तो कभी सरासी मुजरद जो है वो भी उस माने में इस्तेमाल होता है हदायत हासिल करना। दोनों सूरतों में इससे मुराद यहूदी हैं। वन नसारा, और नसारा जो है ये जमा है नसरानी की, या तो ये नसरान के रहने वाले थे या ये के उन्होंने मदद की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात की, तो इसके साथ ये या लगी है नसरानी की बगरज़ मुबालगा लगी है, नसारा उसकी जमा है। वस्साबीन, और वो लोग जो दीन ईसा से भी निकलाए दीन यहूदी से भी निकलाए, दरमियाना दीन उन्होंने इख्तियार कर लिया, या ये कि उन्होंने सबका कोई सा भी दीन है वो छोड़ दिया, या ये है कि सियारा परस्ती की। उनकी इन तफसीलात से हमारे ना अकायद का कोई ताल्लुक है ना हमारे अमल का कोई ताल्लुक है, इसलिए हम इतना ही जान लें तो काफ़ी है कि साबईन एक गैर मुस्लिम ग्रोह का नाम था। मन आमना बिल्लाहे वल यौमिल आखिरे, इन सब में से जो आदमी ईमान ले आया, ईमान अल्लाह पर लाना इस बात का मोहताज है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ईमान लाए। इसीलिए हजरत इमाम काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब शिफा फ़ी तारीफ़ हुकूकिल मुस्तफ़ा के अंदर वो लिखते हैं कि मुसलमानों की जो तौहीद है दो रुकनी है, वो क्या, एक अल्लाह को वादहु ला शरीक मानना, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी अजमतों के साथ तस्लीम करना। अगर एक आदमी सारी ज़िंदगी ला इला इल्लल्लाह पढ़ता रहे कभी मुसलमान नहीं होगा जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह न कहे। इस एतबार से मुसलमानों की तौहीद दो रुकनी है। और हजरत अनस रदियल्लाहु तआला की रवायत है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व अन्नासि अजमईन औ कमा काला अलैहि सलाम। हजूर का फरमान है कि तुम में से कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मेरी मोहब्बत उसके सीने में कमाल दर्जे पर न पहुँच जाए, जब तक उसूल और फ्रू यानी जिनसे वो पैदा हुआ है उनकी मोहब्बतों पर भी मेरी मोहब्बत गालिब न आ जाए, और जो उससे पैदा हुए हैं यानी उसकी औलाद उनके नवासे बेटियाँ बेटे पोतियाँ पोते नवासियाँ नवासे इन सब की मोहब्बत पर मेरी मोहब्बत गालिब न आ जाए, उस वक्त तक तुम में से कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता। एक मरतबा हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु हजूर की हजूर के अखाड़े का रुस्तम और तारीख़ इस्लामी का फातह आज़म वो अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह आप मेरे सामने मेरे पहलुओं में दो बसने वाली जान के सिवा आप हर चीज़ से प्यारे हैं। आपने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब इलैहि मिन नफ्से, मैं जब तक किसी की जान से भी उसे प्यारा न हो जाऊं उस वक्त तक कोई मोमिन मोमिन नहीं हो सकता उस सरकार के दामनों से लिपट कर। आज जाना दरबार करते हैं, या रसूलल्लाह अब मैं अपनी इस जान सबों के मुकाबले में भी आपको प्यारा समझ दो, सौ जान से कुर्बान हो जाऊं अगर आपको मेरी जान की हाजत हो तो। उस सरकार अल आन या उमर, ए उमर अब बात बनी है, इसलिए मन आमन बिल्ला से कोई ये मतलब न समझे कि सरकार को निकाल के कलमा पढ़ ले तो उसका ईमान ईमान होगा, नहीं, सरकार के वाये से आदमी ईमान लाए तो ईमान ईमान हो, अल्लाह पर ईमान लाना होगा। वल यौमिल आखिरे, क़यामत का उसे यकीन हो कि मैं पेश आने वाला हूँ। क़यामत का यकीन एक ऐसी दौलत है कि जिस जिस के सीने में इसका यकीन अमलन बहाल हो गया और हर वक्त उसके दिल दिमाग में हाजिर रहा वो आदमी गुनाहों से खुद ब खुद रुकने लगता है। और एक हदीस गार है बुखारी शरीफ में मुतद्दद मुकामात पर वो मजकूर है, उसको किरामत के चैप्टर में उलमाए रब्बानी अक्सर व बेशतर बयान करते रहते हैं, उससे किरामत औलियाल्लाह साबित है। वो यूं है कि तीन आदमी किसी गार में बारिश की हालत में पना गजी हुए दौरान सफ़र, लेकिन उसी बारिश के दौरान ऊपर से एक चट्टान गिरी जिसने गार के दहाने को गार के मुंह को बंद कर लिया। अब वो दोनों अंदर फंस गए, अब वो बाहर नहीं निकल सकते।
चट्टान इतनी बड़ी है कि कई हज़ार बंदा भी मिलकर उसको ना हटा सके। अब खुदा ही फजल करे तो वहाँ से निकलें। उनमें से दो और आदमी थे जिन्होंने अपनी अपनी बातों का जिक्र किया, लेकिन एक आदमी उसमें ऐसा था जिसका खौफ खुदा से ताल्लुक़ है। वो कहता है कि एक मर्तबा मेरी चचाजाद थी, बड़ी हसीना जमीला थी, मैं उसके साथ बदअमली करना चाहता था लेकिन कुव्वत हासिल नहीं हो सकती थी, उस पर कुदरत न मिलने की वजह से हमेशा इस्ताक में रहता। कोई वक्त आए, बिलाखिर एक मरतबा 150 या कुछ कम व बेश दिरम उसको बतौर कर्जे की ज़रूरत पड़े तो वो मेरे पास आई, और मेरे पास आकर के उसने अर्ज़ किया कि भाई मुझे पैसे चाहिए। मैंने उसको बदकारी पर आमादा किया, वो बेचारी मजबूरी की वजह से राज़ी हो गई। जिस वक्त मैं ऐन बदकारी पर आमादा हुआ और अमल को शुरू करने लगा, उस वक्त मुझे क़यामत की हाज़िरी का एहसास हुआ कि मैं इसी हालत में हुजूर किरदगार जब पेश होऊंगा, ये मेरा फ़ोटो, ये मेरी हालत, ये मेरी कैफियत बमाए तमाम नक्शा मौका वारदात के पेश की जाएगी। योम आज़िन तुहद्दिस अखबारहा बिअन्न रब्बका औखालहा, ज़मीन भोल भोल के कहेगी कि इसने ये काम मुझ पर ऐसे ऐसे किया है। योम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, हम उसके मुँह पर मोर मार देंगे, उनके हाथ और पाँव बातें करेंगे, तो उनका मेरे हाथ पाँव भोल के बात करेंगे। जब ये सूरत हाल बनेगी क़यामत के मैदान में, मेरा ये ऐप किसी तरह छुप ना सकेगा। उस वक्त खौफ खुदा की वजह से मैं बाज आया और अल्लाह ने मुझे इज्जत अता फरमाई। उस गार में वो आदमी उस वाक़े का जिक्र करता है अपने साथियों के साथ, कहता है मैंने इस तरीके से ये गुनाह छोड़ा था कि मुझे यकीन हुआ कि मैं अल्लाह के हुजूर में पेश होऊंगा। उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा दिल धक्कड़ धक्कड़ बजने लगा, मेरी आँखों में आंसू आने लगे। मैं यकीन करने लगा कि मैं इस वक्त हुजूर किरदगार खड़ा हूँ और मुझसे मेरा मालिक पूछेगा, मुझे सेहतमंद जवाब देना होगा। इस खौफ से मैं उठ खड़ा हुआ और बाज आ गया, मौला करीम अगर सचमुच मैंने तेरे खौफ से तेरी बारगाह में हाजिरी के यकीन की वजह से अगर मैं उस गुनाह को छोड़ा था तो मेहरबानी फरमा इस चट्टान को पीछे हटा। तो वो चट्टान पीछे हटी। इसका मतलब ये है कि खुदा की बारगाह में आदमी को पेश होने के यकीन से गुनाहों से तौबा करना और गुनाह से रुकना एक ऐसी बड़ी चीज़ है जिससे पहाड़ों की चट्टाने भी इधर से उधर हो सकती हैं। तो खौफ खुदा का यकीन करो, क़यामत के मैदान का यकीन करो, तमाम इंसानी बरादरी मौजूद होगी, आमाल सारे पेश होंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी सच्ची तौबा नसीब फरमाए। अत्ताइब मिन ज़म्ब कमल लाज़म लहु, जिसने बड़े बड़े गुनाहों से लेकर के छोटे छोटे गुनाहों तक गुनाह किए हैं, सच्चे दिल से तौबा करे। तौबा से मतलब शर्मिंदा, मौला करीम मैंने बड़ा घटिया काम किया, मुझे नहीं करना चाहिए, अब मैं कर तो चुका हूँ, वह तो वापस नहीं होता, मैं तौबा करता हूँ, शर्मिंदगी का इजहार करता हूँ, आइंदा वादा करता हूँ मौला करीम दोबारा ही ऐसे काम नहीं करूँगा। अल्लाह करीम की बारगाह से उससे सर्टिफिकेट मिल जाता है कि तू बख्शा हुआ। तौबा बड़ी ताकत का नाम है, मगर तौबा करके फिर साबित कदम रहे। ऐसा नहीं कि मैं तौबा कर चुका था मगर क्या करूँ खलील, काली घटा को देख कर नीयत बदल गई। अगर उठते बैठते यूँ अपने आमाल में लग्जिश खाता चला जाए फिर तौबा की कुछ हकीकत न रहेगी। वो गालिब कहते हैं इस मेरी तौबा से तौबा कर उठी। कहते हैं कि अगर कोई आदमी अकीदा सही कर ले, क़यामत की हाज़िरी का यकीन करके, हिसाब किताब का यकीन करके तौबा कर ले और अच्छे काम करे, उससे एक वादा हम करते हैं, न सिर्फ उसके गुनाह माफ़ करेंगे बल्कि उसको अज्र अता हो। युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, उसकी बदियों को नेकियों से बदल डालेंगे। सहाबा किराम कहते हैं जब सरकार की ज़ुबान से हमने सुना कि ये नेकियों तौबा के बाद बदियों को नेकियों में बदल दिया जाएगा, उस वक्त हमारे दिल में ख्याल आता कि हमने काफ़ी बदियाँ की होती उसके बाद तौबा करते। यानी खुदा ताला के इनाम का ये आलम है कि सच्ची तौबा करने वाले के ना सिर्फ गुनाह बदले जाते हैं बल्कि युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, उनकी बदियों को नेकियों में बदल दिया जाता है। जितने उसके गुनाह थे
वो सारे के सारे नेकियों में बदल जाते हैं। अल्लाह के उसके लिए बारगाह खुदाबंदी में अज्र है। और ये कि वला खौफ न, वक्त से पहले हम उसको आगाह करते कि मुतमइन रहो, खौफ तो मेरी तरफ से हो सकता है, जब तुमने तौबा कर ली है हमने तुम्हारे कागजात ही अलग कर दिए हैं, तो उन लोगों में नहीं है जिन पर खौफ होगा और ना ही वो गम खाएंगे। आगे बनी इसराइल की एक और बदरवी और नाजवाजी का जिक्र कुरान मजीद करता है। कुरान मजीद कहता है कि वो वक्त याद करो जिस वक्त हमने तुम पर पहाड़ को बुलंद किया, हमने तुमसे वादा लिया, कोहे तूर को उठा के तुम्हारे सरों के ऊपर लटका दिया, हमने कहा पूरी कुव्वत के साथ जो कुछ हमने दिया पकड़ लो और जो कुछ इसके अंदर वो याद कर लो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इस मकाम पर आले इल्म ने एक बात छेड़ी है कि ये हुआ किस तरह का, जिस वक्त मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम तूर से वापस तशरीफ लाए तो आपने सबसे पहले तो उस कौम को कहा जो 70 आदमी रुआसाए उम्मत को उठा के साथ लेके थे, जो चीदा चुनीदा बरगुजीदा और सफ़े अव्वल के लोग थे, उनको आप साथ लेके गए थे। जब वो अल्लाह की किताब तख्तियों की शक्ल में वापस लेके आए तो उनका लन नौमिन लगा हत्ता नरल्लाह जाहरतन, जब तक हम खुद खुदा को न देख लें कि वह तुझसे बातें करता है और उसने ये किताब तुम्हारे हाथ में दी है, ये तख्तियाँ दी हैं, उस वक्त तक हम बावर करने के लिए तैयार नहीं कि तुम सचो, हम तुम पर ईमान ही नहीं लाते। तो जो सबसे ज़्यादा संजीदा और क्वालिफाइड और तरबियत याफ्ता थे, अगर उनके अकीदे का ये आलम था तो फिर इनके अकीदे का क्या हाल होगा। जब तूर से वापस आए सहराए सीना में, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने किताब खोल के आगे रखी, उन्होंने कहा इसमें तो बड़े सख्त किस्म के अहकाम हैं, इस पर तो अमल करना हमारे लिए कारे दारद है, हम तो अपनी जान को इन जोखों में नहीं डालना चाहते, मेहरबानी करो ये किताब वापस ले जाओ, हमारे काम की ये नहीं है, हम इस पर अमल नहीं कर सकते। यानी गुलामी के खूगरों को अब देखें सूझते क्या है, गुलामी के ज़माने में कभी ये नहीं कह सके हम ये काम करेंगे ये काम नहीं करेंगे, जो उन्होंने कहा सो इन्होंने किया, घटिया से घटिया काम कहा तो किया, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत व मशक्क़त तलब काम को उन्होंने कहा तो किया, लेकिन अब पैगंबर के मुकाबले में रोज़ाना ताज़ा खाने मिल रहे हैं, मनो सलवा मिल रहा है और बहुत नज़ीफ और लतीफ़ किस्म का पानी जो मूसा अलैहिस्सलाम के असा मुबारक की बरकत से निकला वो पानी पी रहे हैं। और अब नाज नखरे का आलम देखो, कहते हम ये किताब नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम इसको कबूल नहीं करते, इसके अहकाम बड़े सख्त हैं। उस रब्बे करीम कहते हैं कि अब तुम्हें मैं पूछता हूँ कि अगर तुम सीधे हाथों नहीं मानते तो डंडे से मनवाएंगे, हमने तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को उठाया और मुअल्लक कर दिया, या अल्लाह ताला ने जिब्रील अमी की ड्यूटी लगाई या और फरिश्तों की ड्यूटी लगाई, यह खुदा का अपनी मैनेजमेंट है, उसने उठा करके उनके सरों पर मुअल्लक किया कर दिया। जो 12 मील के एरिया में लश्कर फैला हुआ था उनके सरों पर पहाड़ भी तो 12 मील तक फैला हुआ होगा, तो हज़रत जिब्रील अमी इस ताकत के होते हुए कि कोहे तूर को उठा के ले आए हैं और 12 मील तक फैले हुए पहाड़ को उन्होंने अपने परे परवाज पर रखा हुआ है, मेराज की रात जब सरकार लाम मकान में जाने लगे तो सिदरतुल मुंतहा पर इन परों के होते हुए रुक क्यों गए, मालूम हुआ कि पहाड़ों को उठा के फिरने वाले पर महबूबे किबरिया की असल मंजिल की तरफ रास्ता तय करने के लिए काम नहीं आ सकते। सरकार की वो मंजिल इतनी नाजुक है कि जिब्रील अमी का जिक्र करते हैं सादी मरहूम, अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोग तजल्ला बस हजत परम, अगर एक बाल के बराबर भी आगे उड़ूं तो तजल्लियात इलाहिया मुझे जलाकर खाकिस्तर का ढेर बना देंगी। तो यहाँ कोहे तूर को सर पे उठाए हुए हैं। जो बास का जिक्र कर रहा था उलमाए रब्बानी ने बास छेड़ी है वो ये है कि कुरान कहता है ला इकराह फिर दीन, के दीन में किसी तरह का कोई जबर नहीं है, तो जब ये नहीं मानते थे तो फिर इनके ऊपर पहाड़ को आके लटका देना जबर की शक्ल तो बनती है, ये किस तरह मुमकिन होगा। अब जनाब
एक मरतबा वक्त के चोटी के दानश्वर क्रिश्चियन रहनुमा ने कहा कि कोई मुसलमानों से हमसे बात करे। अल्हम्दुलिल्लाह उस मैदान में मैं उतरा। उनका कहना यह था कि इस्लाम जबर से फैला है, मुझे ये बतलाओ जिनके सरों पर तूर है वो तूर रब ने रखा है कि मैंने रखा है, मेरे नबी ने रखा है, मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम की मौजूदगी में रखा गया है, तूर उनके सरों पर है, अब बताओ जबर से कौन सा दीन फैला, मेरा दीन फैला या तेरा दीन फैला। ये बात समझने वाली है। अब तूर है मगर तमाम अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम की सेहत दीन को पेश करने के हम पाबंद हैं कि उनका दीन सही था। पैगंबर पैगंबर है, उसकी तालीमात पर हक हैं, और उनके सरों पर जो कोहे तूर को लटका दिया गया और कहा गया बाज आओ नहीं तो तुम्हारे सरों के ऊपर इसको रख दिया जाएगा और तुम इस तरह पिस जाओगे जिस तरह चक्की में दाने पिस जाते हैं। इसको हम जस्टिफाई करना चाहेंगे कि ये जबर की पॉलिसी जो हमारे यहाँ है कि ला इकरा हफिज दीन, क्या मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी पॉलिसी के पाबंद थे? हाँ, हमारे अकीदे के मुताबिक, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक वो भी इसी अकीदे के पाबंद थे। फिर ये किस तरह जस्टिफाई होगा, इसकी दुरुस्ती किस तरह होगी कि ये पहाड़ ला के उनके सरों पर रख दिया? का दरअसल किसी को अपना दीन कबूल कराने के वक्त जबर करने की इजाज़त नहीं, एक मरतबा कबूल करने के बाद अगर उसको छोड़ के जाए तो फिर जबर का हुक्म है, उसका हुक्म मुर्तद का है। उनको उस वक्त दीन मूसवी में डाला नहीं गया, दीन मूसवी वो मिस्र से कबूल करके चले थे, अब वो मुर्तद हो रहे हैं, तो मुर्तदों की ये सजा है कि अब अगर तुम बाज नहीं आओगे तो ये तूर तुम्हारे सर पर रख दिया जाएगा। तो ये दीन के अंदर जबर का जबर की मिसाल नहीं, ये मुर्तद होने वाले के लिए जबर की मिसाल है। जैसा कि सरकार का फरमाना है कि किसी को भी कत्ल नहीं किया जा सकता, एक उसको कत्ल किया जा सकता है जो बदकारी करे निकाह के बाद, दूसरा उसको कत्ल किया जा सकता है जो काफिर हो जाए मोमिन होने के बाद, तीसरा वो जिसने कत्ल ना हक किया हो। ये तीन सूरतें हैं कत्ल किए जाने की, बाकी कोई सूरत इस्लाम में किसी को कत्ल करने यानी कातिलाना किस्म का जबर करने की इजाज़त नहीं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने किस फार्मूले पर अमल किया? जो मोमिन बनने के बाद कुफर करे उसकी ये सजा है। अब ये इस्लाम में या दीन में जबर किए जाने की मिसाल नहीं, बल्कि दीन को कबूल करने के बाद मुर्तद होने की सूरत में ये जबर करने का हुक्म है। कुर्बान जाए महबूबी किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहली मोमिना के जिस वक्त सरकार गारे हिरा से वापस तशरीफ लाते हैं और आप कहते हैं मुझे सर्दी लगी है, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, जनाब सैयदा खदीजा कुबरा कहती हैं कि आप परेशान ना हो, आप अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं, आप पर वो नामूस इलाही नाजिल हुआ होगा जिसका वरका बिन नौफल ने जिक्र किया था, यानी उनके ऐलान नबूवत से पहले ईमान की आमादगी के आसार उनके बयान में मौजूद हैं। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीन कबूल किया और बीवी होकर सबसे पहले इस्लाम लाना ये एक ऐसा जौहर है जो सफ़े अंबिया में अलैहिस्सलाम जनादे खदीजा कुबरा ने यह सरकार का इम्तियाज कायम कर दिया। बीवी अपने मियाँ को बहादुर तस्लीम कर लेती है, दलेर और खूबसूरत तस्लीम कर लेती है, सखी और वफादार तस्लीम कर लेती है, मुहिब और चाहने वाला तस्लीम कर लेती है, लेकिन वो समझती है कि जोड़े का ताल्लुक जिसका मेरे साथ है वो बुजुर्ग कैसे हो सकता है। कुर्बान जाए खदीजा, तेरी जात पाक के तेरे खून ने पर दीन के लिए वो कुर्बानी यकीन जो कायनात में उनकी मिसाल नहीं बनती, हसन व हुसैन के किरदार में तेरे खून का रंग है, फातिमा ज़हरा के तकद्दस और तहारत में तेरे खून का रंग है, आइम्मा आले बैत में जो जज्बे इशार है और सरकार से रस्म वफा की पाबंदी है, ऐ खदीजा वो तेरे लहू का सदका है, कयामत तक औलाद पैगंबर आएगी, दाता गंजबख्श उसी खानदान का आदमी है, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद सरकार उसी खून का आदमी है, हजरत सैयद अल कादिर जिलानी माऊ सुबहानी कुतुब रब्बानी उसी खून का आदमी है, सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद शहनशाह बुखारा भी उसी खून का आदमी है,
سید ابو الحسن شاذلی حسینی سلاسل اولیاء اللہ کے بھرمار دیکھیے یہ فیضان ہے اے حضرت خدیجہ تیرے لہو کا کہ تیرے لہو نے کائنات میں ایک نئی فضا پیدا کر دی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سرکار کا کلمہ پڑھ کے انسانیت کے کندھوں پر ایک خوبصورت وزن چھوڑ دیا کہ اے مومنو تم کلمہ پڑھنے میں کیوں دیر کرتے ہو میں بیوی ہو کر کلمہ پڑھنے میں کوتاہی نہ کروں تو پھر بعد میں کوئی کوتاہی کیوں کرے جو قرآن مجید نے کہا السابقون الاولون اس کے مبتدا و خبر کی ترکیب آل علم نے بتلائی ہے جو پہلے لوگ ہیں وہ پہلے ہی ہیں اور علامہ عبد القاہر جرجانی نے اپنی اصول الدین صفحہ 302 کے اندر یہ ذکر کیا کہ ترتیب فضائل کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ جس ترتیب سے لوگ ایمان لائے ہیں اسی ترتیب سے ان کی افضلیت ہے جو پہلے ایمان لایا اس کا درجے میں اور فضیلت میں بھی پہلا مقام بنتا ہے تو ادھر تو لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے سروں پر کوہ طور رکھ دیا گیا ہے لیکن اس کے مقابلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ایمان لانے کی ان کی ادا بڑی یادگاری ہے ہر بندے نے آپ سے سوال کیا کہ آپ ثبوت لائیں کہ میں رسول ہوں اپنی رسالت کا ثبوت جب تک نہیں لائیں گے اس وقت تک نہیں مانا جائے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن سفر شام پر جاتے ہوئے اس کو ذخائر عقبہ نے بھی ذکر کیا ہے اور محب الدین طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فضائل عشرہ میں کتاب لکھی ہے ریاض النظرہ اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ جاتے ہوئے شام کے سفر پر خواب میں دیکھا کہ چاند آسمان سے آ کر کے گود میں لگا رائب سے اٹھ کے پوچھا بحیرہ رائب سے بحیرہ رائب کا ذکر امام رازی نے ان مومنین میں کیا جو سرکار کے تشریف لانے سے پہلے مومن تھے بحیرہ رائب سے جا کے پوچھا اس نے کہا وعدہ کرو بات بتاؤں گا نہیں اگر نہیں بتاؤ گے تو میں بتاتا ہوں تیرے خواب کی تعبیر اگر سچا خواب ہے تیرا تو نبی آخر الزمان کی بعثت ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر دولت ایمان تجھے عطا فرمائے گا جس طرح تو نے گود میں چاند کو دیکھا ہے کبھی وہ وقت آئے گا کہ انبیاء کا چاند غار سور میں تیری گود میں ہوگا یہ بات سن کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چیپٹر کلوز کر دیا جس تاریخ سرکار سے ملاقات ہوئی سرکار نے اپنی رسالت پیش کی فرمایا جانتے ہو میں نے کبھی جھوٹ کہا ہے جی کبھی جھوٹ نہیں کہا میں نے کبھی خیانت کی کبھی خیانت الغرض کئی ایک باتیں سرکار نے اپنے پورے ماضی کی سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دہرائیں آپ اصل مطلب کی بات کیوں نہیں کرتے کہاں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے بتاؤ آپ تمہارے گھر ان کا کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھ چکے تو بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہربانی فرمائیں میری رہنمائی کریں تاکہ بعد میں کوئی مجھ سے کوئی پوچھے تیرے پاس نبی کی نبوت اور رسالت کا کیا ثبوت ہے تو پھر مجھے بتانا ہوگا کہ میرے پاس یہ ثبوت ہے اب جناب کلمہ تو بغیر ثبوت کے پڑھ لیا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی امتیاز ہے اور جناب خدیجہ الکبریٰ کا اس سے پہلے یہ امتیاز قائم ہو چکا ہے انہوں نے کوئی دلیل مانگے بغیر جناب حضرت سید عالم صاحب کا کلمہ پڑھا ہے اور جناب حیدر کرار نے بھی کوئی ثبوت آپ سے نہیں مانگا لیکن وہ گھر کے لوگ تھے یہ گھر سے باہر والے لوگوں میں امتیاز ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذات پاک کا جب پوچھا کہ ثبوت کیا ہے اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی وہ جو غیب والی حرکت ہے رگ ہے وہ پھڑکی آپ نے کہا میری نبوت اور رسالت کا ثبوت تیرا وہ خواب ہے جو سفر شام پر جاتے ہوئے تم نے دیکھا تھا رومی فرماتے ہیں بندگان خاص علام الغیوب اخذروہم ہم جواسیس القلوب ان کے سروں پر تو تور لٹکا ہوا ہے جب جا کر کے وہ سیدھے ہوتے ہیں لیکن نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں نے سرکار کا کلمہ پڑھا تو دلیلیں مانگیں بغیر پڑھا بیوی نے بغیر دلیل کے پڑھا بھائی نے بغیر دلیل کے پڑھا دوست سے پڑھا بغیر دلیل کے پڑھا یہ بڑا امتیاز ہے امت محمدیہ کا قرآن کہتا ہم نے کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا پوری قوت کے ساتھ اس کو پکڑ لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے اچھی طرح سے یاد کر لو تاکہ تم متقی بن جاؤ تقوی کا صلہ اگر اللہ ہو تو مانے ڈرنا تقوی سکا صلہ غیر اللہ ہو اس کے معنی بچنا تاکہ تم گناہوں سے بھی بچ سکو اور قیامت کی سزا سے بھی بچ سکو وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا
अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।